इन्फिनिक्स हॉट S4 या फिर खाली S4 जो भी आप बोलना चाहते हैं आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा फोन है जो अगर आपके पास है तो आपके ऊपर ढिंचैक पूजा का आशीर्वाद है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है ढिंचैक पूजा की तरफ से। सेल्फी मैंने ले लिया। वेल, ऐसा कुछ नहीं है, मेन रीजन ये है कि इस फोन का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, जो कि है इसका 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो जी हाँ, इसमें है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस की आफ्टर यूजिंग दिस फोन फॉर 48 आवर्स, और हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ है इस फोन में, क्यों आपको इसे लेना चाहिए, क्या कुछ अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। सो हे गाइस, दिस इज होस्ट अमोक, आप देख रहे हैं योर पॉइंट ऑफ टेक, एंड ये है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ दिस इन्फिनिक्स S4। सो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, मैं अभी सीन ऐसा है ना कि इस फोन की जो प्राइस है वो अभी तक मुझे खुद को भी पता नहीं चली है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो अभी तक ये फोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। सो जो इसके ऑफिशियल इंडिया की प्राइस रहेगी वो तो रिवील होगी 21 मई को, और जिस टाइम को आप ये वीडियो देख रहे हैं बाय द टाइम ये फोन ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका रहेगा। तो इसकी जो प्राइस रहेगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, बट स्टिल एज ऑफ नाउ आई डोंट नो अबाउट प्राइसिंग। सो ये बस मान ली खाली मेरे फर्स्ट इंप्रेशन रहने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस होगी वो अंडर ₹10,000 रहेगी, वो इसलिए क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स के पीछे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी जो MRP है वो है 9,999। तो शायद से ऐसे लगता है कि इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो शायद से 8,000 या 9,000 रहेगी, बट स्टिल लेट्स सी क्या होती है इसकी MRP। सो चलिए फटाफट से जल्दी से बात करते हैं इस फोन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके क्विक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, बिकॉज भाई अनबॉक्सिंग नहीं दिखाई तो फिर क्या घंटा टेक वीडियो बनाया। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग फर्स्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स को खोलने के बाद आपके अभी कोई भी फोन नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो अभी मैंने फोन को वापस बॉक्स के अंदर डाला नहीं। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हमेशा की तरह फोन रहेगा, लेकिन अभी नहीं है बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पैम्पलेट्स वगैरह है, जनरल अपना हमेशा की तरह रहता है, सब यूजर मैनुअल और कुछ वारंटी की बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती है इसमें। उसके बाद नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसका पावर अडाप्टर, और पावर अडाप्टर अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्वियसली चीज़ है कि यहाँ पे आपको कोई फास्ट चार्जर तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो ये एक स्टैंडर्ड सा अपना चार्जर है, और इसके नीचे है यहाँ पे एक माइक्रो USB to USB केबल। तो ये एक सैड चीज़ है कि यहाँ पे हमें कोई भी USB Type-C देखने को नहीं मिल रही है, नॉर्मल सी माइक्रो USB केबल है। फिर है सिम इजेक्टर टूल, और उसके नीचे है यहाँ पे इसका एक स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही यहाँ पे एक स्क्रैच गार्ड या फिर टेम्पर ग्लास जो भी आप बोलेंगे आपको मिल रहा है। और बस यही सब चीज़ें हैं अनबॉक्सिंग की, लेकिन स्टिल एक और एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गया, और वो ये है कि यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको एक केस भी मिल जाता है जो कि मैंने ऑलरेडी फ़ोन के ऊपर लगाया हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक हमारा नॉर्मल सा एक ट्रांसफरर TPU केस है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट बॉक्स के अंदर आपको केस और टेम्पर ग्लास दोनों चीज़ें मिल रही है, तो आपको यहाँ पे उस मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो भाई ये तो हो गया अनबॉक्सिंग के बारे में, अभी बात करते हैं इस फोन के बिल्ड क्वालिटी और फिजिकल ओवरव्यू की। तो जैसे आप देख सकते हैं जो फोन है ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर लगता है इन्फिनिक्स के एक और एक फोन जिसका नाम है इन्फिनिक्स Smart 3 Plus, जिसका बाय द वे मैंने ऑलरेडी फुल रिव्यू और ऑलरेडी बहुत से वीडियो उसके ऊपर बनाए हुए हैं। तो उसका जो प्लेलिस्ट रहेगा वो यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा रहेगा, तो अगर आपको उस फोन के बारे में जानना है तो यहाँ पे उस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। बात करें इस फोन की तो इसका जो डिज़ाइन है वो काइंड ऑफ सिमिलर है Smart 3 Plus के जैसा ही। जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे सिमिलर है, 6.2 इंचेस का HD+ डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 720p। तो यहाँ पे कोई भी फुल HD डिस्प्ले नहीं है, बट स्टिल अभी जो है वो है। और अगेन यहाँ पे सिमिलर आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलती है, जो कि हमें स्मार्ट 3 प्लस में भी देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह की, तो यहाँ पे ऊपर के बाजू आपको कुछ ऐसे आपके देखने को नहीं मिल रहा है, राइट के बाजू यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स है, नीचे के बाजू आपको 3.5 mm का हमारा ऑडियो जैक देखने को मिलता है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, माइक्रो USB पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है, और लेफ्ट के बाजू हमें यहाँ पे सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलता है, जिसकी एक और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्यूअल सिम और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे कोई भी आपको हाइब्रिड स्लॉट नहीं मिलता है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करें बैक साइड की, तो यहाँ पे इसका जो बैक है वो अगेन सिमिलर है स्मार्ट 3 प्लस के जैसा, ये लग तो रहा है जैसे ग्लास बैक बिकॉज यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन वगैरह आपको देखने को मिलता है, बट स्टिल एक्चुअल में ये तो है प्लास्टिक, और अगर हम सादी भाषा में बात करें तो पॉलीकार्बोनेट। तो लग तो प्रीमियम लगने में तो प्रीमियम लगता है, बट ये एक्चुअल में तो है पॉलीकार्बोनेट। और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है,
और फिर बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। जो फर्स्ट कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, जो सेकंड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, और जो थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे आपको 13, 8 और 2 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बो देखने को मिलता है। उसके नीचे है ड्यूअल टोन ड्यूअल LED फ्लैश, और यहाँ पे लिखा हुआ है AI ट्रिपल कैमरास। तो यहाँ पे कुछ AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है कैमरा के अंदर। और फिर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो जैसे मैंने कहा इसका सबसे बड़ा हाइलाइटिंग पॉइंट है इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा, जो कि है 32 मेगापिक्सल। और मुझे लगता है कि शायद से पहला स्मार्टफोन है अंडर ₹10,000 जो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है। तो ये भी एक अपने में ही बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप एक सेल्फी लवर है तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हम इसको आने वाले दिनों में टेस्ट करेंगे ऑब्वियसली। फिर बात करें इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इसका जो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक का हीलियो P22 प्रोसेसर, और इसमें जो आपको स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं वो है 32GB और 3GB रैम। तो प्रोसेसर वगैरह के मामले में तो मुझे एक लाइक ऐसे बैलेंस लगता है, बिकॉज जो P22 है वो ऐसे कुछ इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट अगेन इतना भी ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। तो एक काइंड ऑफ एवरेज और आई वुड से मिड रेंज का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। फिर बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो जो कि एक अच्छी बात है मैं कहूँगा, बिकॉज मेरे दो दिन के एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस किया कि बैटरी ड्रॉप है वो इतना ज़्यादा हैवीली नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने इस फोन को अब तक ज़्यादा इतना हैवीली यूज़ भी नहीं किया है, कैजुअल से अपना वेब ब्राउजिंग और थोड़े फार फोटो वगैरह इधर उधर के खींचे हैं, और अपना नॉर्मल सा सोशल मीडिया स्टफ ही इस्तेमाल किया है। तो उस केस में भी बैटरी लाइक काइंड ऑफ 10-15% ही ड्रॉप हुई अब तक दो दिनों में, तो ये एक अच्छी बात है। इसका जो स्टैंड बाय टाइम मुझे अभी के लिए तो ठीक ठाक लग रहा है, बाकी आने वाले दिनों में ऑब्वियसली जब मैं इसका फुल रिव्यू करूंगा तो हम लोग इसमें इन डिटेल बात करेंगे कि इसका स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह हमें कैसे देखने को मिलता है। फिर बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की, तो जैसे मैंने कहा ये एक्चुअल में तो है 720p डिस्प्ले, बट स्टिल ऐसे देखने में लगता नहीं कि ये 720p डिस्प्ले है। यहाँ पे इसकी जो कलर एक्यूरेसी है और बेसिकली इसका जो स्क्रीन का क्वालिटी है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा यहाँ पे ओवरऑल। हालांकि ये एक LCD डिस्प्ले है, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में इस्तेमाल करेंगे तो शायद से आपको स्क्रीन लाइट विजिबिलिटी इतनी नहीं दिखेगी। फिर बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो जैसे मैंने कहा मीडियाटेक का हीलियो P22 प्रोसेसर है, जो कि एक ठीक ठाक है, और अभी तक तो मुझे ऐसे दो दिन के डे टू डे यूजेज में ऐसे फ़ोन इतना लैगी नहीं लगा। ये थोड़ा कम लैगी है कंपेयर टू Smart 3 Plus, बिकॉज Smart 3 Plus तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लैग करता था इवन स्मॉल टास्क के अंदर भी, बिकॉज अगेन उसमें 2GB रैम ही थी। तो यहाँ पे आपको 3GB रैम देखने को मिलती है, तो 1 extra GB ऑफ रैम शायद से इस फ़ोन को थोड़ा फास्ट बनाने में सक्सेसफुल रही है। तो यहाँ पे डे टू डे यूजेज में इतना ज़्यादा लैग तो है नहीं, और मल्टीटास्किंग भी ठीक ठाक है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जब मैं इसका फुल रिव्यू करूँगा तो ऑब्वियसली मैं बताऊँगा कि इसका ओवरऑल सॉफ्टवेयर है वो कैसा है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इसके कैमराज। जब हम बात करें कैमरा की, तो ये कुछ फोटो सैम्पल्स है जो मैंने खींचे थे इसके रेयर फेसिंग कैमरा से, जो कि ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है। और ओवरऑल इसे फोटो को देखने के बाद मुझे ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है कि कैमरा एक ठीक ठाक होने वाला है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा ब्राइट लाइटिंग कंडीशन में फोटो खींचेंगे तो जो फोटो है वो अच्छे खासे आते हैं। यहाँ पे आपको इनफ अमाउंट ऑफ डिटेलिंग मिल जाती है, इसके जो हाइलाइट्स वगैरह है वो भी लाइक ठीक ठाक है, कैमरा प्रिजर्व करता है, और बेसिकली जो कलर एक्यूरेसी है वो भी ठीक है, इतना ज़्यादा ओवर सैचुरेट वगैरह भी नहीं कर रहा है फोटो। फिर बात करें इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा की, जो कि इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है। तो जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे आते हैं, स्पेशली अगर आप ब्राइट लाइटिंग कंडीशन में फ़ोटो खींचेंगे तो सेल्फीज़ जो है बहुत ही अच्छे यहाँ पे आपको डिटेलिंग वगैरह मिल जाती है। आपका जो स्किन टोन है वो भी आप एक अच्छे तरीके से ये कैमरा कैप्चर करता है। सो दैट्स इट, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द कंक्लूजन कि ये जो इन्फिनिक्स S4 है वो मुझे एज ए ओवरऑल काइंड ऑफ प्रोमिसिंग फोन लगता है, कंसिडरिंग इसका प्राइस आपको शायद से 8-9,000 रहेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा है फोन परफॉर्म करता है। मैं इसका फुल रिव्यू करने से पहले शायद से इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी करूंगा, बिकॉज इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, तो शायद से मुझे लगता है कि कैमरा रिव्यू इसका डेडिकेटेड बनता है। बाकी आप मुझे बताइए कौन कौन से वीडियो आप चाहते हैं मैं इस फोन के ऊपर बनाऊँ, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छे तरीके से टेस्ट करूँगा, और अगर कोई डेडिकेटेड वीडियो रिक्वेस्ट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं वो भी करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज योर होस्ट अमोक साइनिंग ऑफ। अगर आपका वीडियो पसंद है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही इन डिटेल टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज हिंदी में बनाता रहूँ। Thank you so much for watching. This is your host Amog, and see you in the next video. Bye bye, take care, and good night.